चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मंत्रियों को ट्रांसफर के अधिकार मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 दिन के लिए ट्रांसफर का अधिकार मिला है मंत्रियों को। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये अधिकार दिया है मंत्रियों को और 15 दिनों के लिए ये अधिकार दिया गया है मंत्रियों को। ट्रांसफर के अधिकार मिले हैं, इससे पहले मंत्रियों के पास ट्रांसफर के अधिकार नहीं थे और 15 दिन के लिए ट्रांसफर के अधिकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये 15 दिन का वक्त दिया गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये अधिकार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, मंत्रियों को ट्रांसफर के लिए अधिकार दिया गया है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। राकेश, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ा कदम। हेलो जी, बोलिए। हाँ देखिए, बिल्कुल, ये आज ही जो तबादला नीति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी और आज ही तबादले खोले गए हैं। और ये नियम तो हर साल ऐसा होता है, मंत्रियों को एक महीने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल नया बना है, तो ऐसे में अभी 15 दिन के जो हैं ट्रांसफर्स के अधिकार दिए गए हैं और 25 नवंबर से ये 10 दिसंबर तक ट्रांसफर होंगे। और ये अब जो नए मंत्री आए हैं वो अपने इच्छा से, क्योंकि जब नॉर्मल डेज में ट्रांसफर खुली नहीं होती तो उनका नोट चलता है और ट्रांसफर नोट के बाद मुख्यमंत्री के यहाँ से अप्रूवल होती है। लेकिन अब बाकी सभी मंत्री सक्षम होंगे ट्रांसफर के लिए और 10 दिसंबर तक, जैसा मैंने बताया, कि ट्रांसफर हो सकेंगी। और इसके साथ साथ जो है जिन महकमों में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी है और वहां के कर्मचारियों की संख्या 500 से ज्यादा है, उन्हें 31 दिसंबर तक ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ सचिवालय में तबादला नीति की समीक्षा को लेकर जो है बैठक हुई थी। बैठक में यह फैसला लिया गया है और अब जो है ट्रांसफर्स के लिए मंत्री 15 दिनों के लिए सक्षम होंगे। जी ठीक है राकेश, अगर इसको हम सरल भाषा में, आम आदमी जो आम दर्शक देख रहा है उसके लिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सके, 15 दिन के लिए ट्रांसफर का अधिकार मंत्रियों को मिलने का मतलब क्या है? इस दौरान वो क्या कर पाएंगे? मैंने आपको पहले बताया कि जब ट्रांसफर बंद होती हैं तब मंत्रियों से लोग मिलते हैं लेकिन मंत्री सक्षम नहीं होते। मंत्री ट्रांसफर की सिफारिश मुख्यमंत्री के पास भेजते हैं, मुख्यमंत्री उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। मुख्यमंत्री उन ट्रांसफर नोट्स पर जिसकी चाहते हैं ट्रांसफर हो जाती है। अब मंत्री खुद सक्षम होंगे ट्रांसफर करने के लिए, जिससे वे कन्विंस होंगे या जिससे जरूरी होगा तो लोग सीधे मंत्रियों के दफ्तर तक जो है आवेदन देंगे। मंत्री खुद सक्षम होंगे ट्रांसफर के लिए और उनकी ट्रांसफर के आदेशों को जो मानने के लिए अधिकारी जो है बाध्य होंगे। इससे पहले जब ट्रांसफर खुले नहीं होते हैं तो जब तक सीएम कार्यालय से अधिकारियों को आदेश नहीं आते लिखित में, तब तक ट्रांसफर नहीं की जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। शास्त्री जी, मंत्रियों को ट्रांसफर का अधिकार मिलना, क्या इसको हम इस तरह से देखें कि उनको वोट देने वाले जो लोग हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि मंत्री आएंगे, अगर हमारे इलाके का विधायक जीत के गया है तो हमको कुछ फायदा होना चाहिए, या इसको इस तरह से देखें कि उनको और शक्तिशाली करने की दिशा में एक कदम है? देखिए, ये दोनों बातें आपने जो कहा वो दोनों हैं और ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा। सभी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में साल में एक बार दो बार इस प्रकार का ऑप्शन रखते हैं कि मंत्री अपने सिफारिश पर अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को इधर उधर करने की या अपने क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इधर उधर ठीक जगह, कोई बीमार है, कोई आवश्यकता है, उसके अनुसार ट्रांसफर करते ही है। जो रूटीन वर्क मानकर इसको देखा जाना चाहिए। अच्छा, रूटीन वर्क माने? हाँ हाँ ठीक है। इससे क्या होता है इस दौरान? ठीक है, मंत्री को अधिकार दिया गया, इससे क्या फायदा क्या नुकसान काम को लेकर? एक चीज तो ये होती है कि कुछ तो डिपार्टमेंटों में पॉलिसीगत ट्रांसफर व्यवस्था कर रखी है पहले से ही कि उस पॉलिसी के तहत ये ट्रांसफर होंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी लागू है और उस पॉलिसी के तहत तो ऐसा नहीं है कि अब कोई मंत्री चाहेगा तो उसको इधर उधर कर देगा, वो उस पॉलिसी के तहत आएगा तो ही कर पाएंगे। एक बात।
दूसरे कुछ छोटे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंटों में कर्मचारी लंबे समय तक एक जगह रहते हैं, उनके कारण से कार्य प्रभावित भी होता है और लोगों की शिकायतें भी उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को दूर भेजने के लिए और कोई पारिवारिक परिस्थिति के कारण से दूर है उसको नजदीक लाने के लिए एक सहज सी प्रक्रिया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास जाने के बाद उसके अप एंड डाउन बहुत स्टेप हो जाते हैं और काफी समय लग जाता है, और सारे हरियाणा भर के कर्मचारियों को जो चाहते हैं वो न्याय संगत तरीके से हो भी नहीं पाता। इसलिए एक बार साल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले भी रही हैं और इस बार भी, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और उन और काफी पिछले समय से ट्रांसफर हुए भी नहीं थे, तो उनको अपने अनुसार अपना स्टाफ रखने के लिए मैं समझता हूँ कि एक व्यवस्था उनको दी है जिसका वो सदुपयोग ही होगा ऐसा मान के चलेंगे। सदुपयोग होगा ये मानकर चले, ऐसे मंत्रियों को भी फायदा होगा अपने, क्योंकि जिनको उनके पास जो विभाग है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं मैनेज, अधिकारियों को इधर से उधर सहूलियत हो जाएगी काम करने में उनको भी। दोनों ही चीजें होती हैं, बहुत लंबे समय तक बैठने वाले लोग भी कई बार काम को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, और कोई इस बीच में कुछ ट्रांसफर पहले हो गए होंगे तो उचित व्यक्ति को उचित स्थान मिल जाए इस ऐसा प्रयास भी मानकर मंत्री के अपने अनुकूल स्टाफ हो और वो ठीक व्यवस्थाओं के अंदर डिपार्टमेंट को चला सके, इसलिए यथास्थान उनको नियुक्ति हो जाए ऐसा प्रयास किया जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जी आपका। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रियों को ट्रांसफर के अधिकार, जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि साल में एक बार मिलता है और इस बार 15 दिनों के लिए ये ट्रांसफर का अधिकार मिला है। सुरेश रोड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं। सुरेश जी, नया मंत्रिमंडल अभी, और इसमें ज्यादातर मंत्री वो हैं जिनको अनुभव भी नहीं है और अभी अभी उन्होंने अपने विभागों का कार्यभार संभाला ही है, ऐसे में ट्रांसफर के लिए 15 दिन का उनको उनको अधिकृत कर दिया गया, उनको अधिकार दिया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि अगर मंत्रियों को वो ट्रांसफर के लिए ऑथराइज करते हैं, लेकिन जो करनी और कथनी श्री मनोहर लाल खट्टर की सामने आ रही है, पहले वो बड़ी पारदर्शिता की बातें करते थे और बड़ी जवाबदेही की बातें करते थे, सुशासन की बातें करते थे, सुशासन सहयोगी भी लगाए थे मंत्रियों के ऊपर भी शायद लगाए हों गुप्त तरीके से, नहीं IAS और IPS के ऊपर, तो हर जिले में संविधानिक ढांचे को खराब करने के लिए बिठाए गए थे हर जिले में, 10वीं 12वीं पास लोग संघ की बैकग्राउंड के एक IPS एक IAS और एक HCS अफसर के ऊपर बिठा दिए गए थे कि वो सुशासन में सहयोग करते थे। आज ये 15 दिन के लिए जो इन्होंने छूट दी है, ये ऐसे हालात में दी है, कल एक वीडियो वायरल हुई, पेवा से कोई मिनिस्टर है सरकार में नवनियुक्त संदीप सिंह, उन्होंने हिदायत दी कि मेरे फोन उठाने, वो अपने नंबरों को बता रहे थे। क्या किसी मिनिस्टर को आज तक ये कहते सुना है अधिकारियों की मीटिंग लेके कि मुझे जब हम फोन करेंगे तो आप फोन उठाना? दूसरी तरफ कहीं और कोई मिनिस्टर सस्पेंड करते घूम रहे हैं। तो अगर ट्रांसफर आप करते हो तो ये तो देखो एक सरकार का हो रहा है, इसमें हम कोई कांग्रेस पार्टी कुछ इंटरफेयर को हम कोई नहीं इसको गलत या ठीक नहीं ठहरा सकते। कांग्रेस पार्टी तो यही चाहेगी कि आप अधिकारियों की कर्मचारियों की जवाबदेही जो है वो जनता के प्रति होनी चाहिए, चाहे ट्रांसफर मुख्यमंत्री करें या उनके मंत्री करें या उनके विधायक करें, इसको विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी का इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेही कौन देगा? क्या ट्रांसफर करने के बाद भी मनोहर लाल खट्टर या उनका मंत्रिमंडल ये सुनिश्चित कर पाएगा कि वो जनता के प्रति जवाबदेही है? अब अनाज मंडी में 1850 की PRGD का रेट सरकारी रेट है और 1600 के पैसे वो दे के 1850 की पर्ची दे रहे हैं, ठीक है, इसके लिए चाहे ट्रांसफर 3 बार कर ले सरकार, लेकिन वो सुनिश्चित करे कि मुझे एक बात बताइए कि इसको क्या इस लिहाज से देखें कि नए मंत्री हैं, नए विभाग हैं, तो वो अपने हिसाब से कि उनको उनके डिपार्टमेंट में कौन सा अधिकारी कहाँ चाहिए काम करने वाला, क्या उनके पास एक मौका है कि वो बेहतर प्लेसमेंट कर सके ताकि बेहतर उनका विभाग परफॉर्म कर सके, उस मौके की तरह देखते हैं? जो 1850 PRGD का सरकारी रेट कटता है, जो पर्चा काटती है मनोहर लाल खट्टर की सरकार, 1600 जिम्मेदार को मिलते हैं, 250 पर क्विंटल का जो गबन है वो कौन करता है? ट्रांसफर आप दिन में 3 बार कर लो, कांग्रेस पार्टी इस चीज की ना तो परवाह करती, ना हमें चिंता, ना हमारा कोई सरोकार इस बात से। चलिए बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।